अध्यक्ष महोदय, आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमान, अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि यहाँ सदन में जो भी सदस्य उपस्थित हैं, आप उनका अपने भाषण से मार्गदर्शन करें। पैरा गृह मंत्री जी के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने दृढ़ और विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को सबसे ज्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं, इसलिए हिंदी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है। यही नहीं, हिंदी का एक अपना इतिहास भी है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिंदी बोलने और समझने लगे। इस दिशा में काफी काम भी हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिस गति से तेजी से काम होना चाहिए था, शायद नहीं हो रहा है। पहला कल हमारा एक दूसरा सम्मेलन हुआ, उसमें भी कई मुद्दे उठाए गए थे। एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया वह यह था कि आज भी सरकार का काम उचित भाषा में यानी हिंदी में नहीं हो रहा है, जबकि जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके हिसाब से किसी विभाग में 99% किसी में 98% और किसी में 100% अधिकारी और कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान था। हमें
यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो पाता? क्या हमारे आंकड़े ठीक हैं? क्या सचमुच 99% लोग हिंदी अच्छी तरह समझते हैं या आंकड़े केवल प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए गिने जा रहे हैं? स्टॉप।